लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक हुई। बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती समेत वरिष्ठ पदाधिकारी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि जन विरोधी नीतियों के कारण हालात तेजी से बदल रहे हैं, संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए लोग आतुर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में अन्याय हो रहा है, हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ गए हैं। बैठक 2 घंटे तक चली थी लगभग जी। बाकी माननीय बहन जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए हैं और 6 दिसंबर को परम पूज बाबा साहब का जो परिनिर्माण दिवस है उसे नोएडा और लखनऊ में मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है। बाकी लोकसभा चुनाव में की तैयारी में सबको लगने के लिए माननीय बहन जी ने निर्देश दिए हैं और प्रत्याशियों को भी अच्छे लोगों की तलाश करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बगैर किसी गठबंधन के सीधे लड़ने के लिए तैयारी चल रही है। अब पूर्व में जो बीएसपी की 4 बार सरकार रही है प्रदेश में, जो कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, वही मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम लोग जाएंगे और पार्टी जाएगी। दिल को झकझोर देने वाली एक खबर वाराणसी से आई है। लंका थाना क्षेत्र के मदरवा इलाके में 2 बेटियों ने अपनी मां की लाश को 1 साल तक दुनिया से छुपाए रखा। रिपोर्ट देखिए।